दोस्तों आज मैं आपके साथ सीपे मार्केटिंग का एक ब्रांड न्यू मेथड शेयर करने वाला हूँ। एंड दोस्तों इस मेथड के अंदर हमने सिंपली इस पॉपअप एड का यूज किया है। यू कैन सी हमने एक वेबसाइट के ऊपर इस पॉपअप एड को लगा दिया है। एंड दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, यह वेबसाइट मेरी नहीं है, मैंने सिंपली गूगल से एक वेबसाइट को उठाया और उसी के ऊपर इस पॉपअप एड को लगा दिया। एंड गाइस बिलीव मी, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने इसी मेथड के माध्यम से बहुत सारे लीड्स को कन्वर्ट करवाया है और बहुत सारी ऑनलाइन मनी मेकी है, जिसका प्रूफ मैं आपको आगे दिखा दूंगा। एंड गाइस इस पॉपअप एड को क्रिएट करने के लिए हमने एक भी रुपए को खर्च नहीं किया। तो गाइस अगर आपको भी इसी टाइप की पॉपअप एड को क्रिएट करना सीखना है और किस तरीके से इस पॉपअप एड को किसी अन्य वेबसाइट के ऊपर लगाना है, पूरा प्रोसेस अगर आपको सीखना है तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, एक भी पार्ट को आपको मिस नहीं करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है जिसका नाम है rite.ly। एंड दोस्तों इसी वेबसाइट के माध्यम से हमने अपनी पॉपअप एड को क्रिएट किया। एंड गाइस यहाँ पर आप पॉपअप एड के अलावा भी बहुत सारे फीचर्स को यूज कर सकते हो, जैसे कि आप पब्लिशिंग के माध्यम से सिंगल क्लिक के अंदर अपनी पोस्ट को डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर सकते हो। एनहेंस के माध्यम से आप अपनी पोस्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हो ताकि आपकी पोस्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स आए। हैशटैग के माध्यम से आप अपने इंस्टाग्राम के लिए ट्रेंडिंग हैशटैग को फाइंड कर सकते हो और लिंक्स ऐड के माध्यम से आप अपने लिए एक पॉपअप ऐड को क्रिएट कर सकते हो। अब इस टूल को आपको यूज कैसे करना है उसका तरीका मैं बताता हूं। तो गाइस टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा और अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको इस वेबसाइट को गूगल के ऊपर सर्च करना है। जैसे गूगल के ऊपर इस वेबसाइट को आप सर्च करते हो और इस वेबसाइट को आप यहां पर ओपन करते हो तो आपको यहां पर साइन इन का ऑप्शन नजर आएगा। सिंपली आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है और साइन इन के अंदर आपको अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन नजर आएगा। सिंपली आपको अकाउंट क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और वहां पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। जैसे आप वहां पर अपने ईमेल एड्रेस को डालते हैं तो आपके ईमेल के ऊपर एक ओटीपी आता है। सिंपली आपको ओटीपी को कॉपी करना है और सिंपली यहां पर आपको उसको पेस्ट कर देना है। जैसे आप यहां पर अपनी ओटीपी को पेस्ट करते हैं तो आपका अकाउंट यहां पर क्रिएट हो जाता है और जैसे ही आपका अकाउंट यहां पर क्रिएट होता है तो आपके सामने यह वाला इंटरफेस आता है। अब इसके ऊपर आप अपनी पॉपअप एड्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो उसका तरीका मैं बताता हूं। तो गाइस पॉपअप एड्स को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहां पर आपको एड्स बनाने का ऑप्शन मिलता है। सिंपली आपको यहां पर आना है और यहां पर आपको एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। गाइस आपके सामने यह वाला इंटरफेस आएगा एंड यू कैन सी यहां पर हमने अपनी पॉपअप एड को ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। अब इस टाइप की एड को हमने कैसे क्रिएट किया है उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड हम आपको देते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जनरल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप जनरल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, सिंपली आपको इन ऑप्शंस को यहां पर ऑप्टिमाइज करना है। जैसे कि पहला ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है एड नेम का, सिंपली यहां पर आपको अपना एड नेम देना है। जैसे कि मैं यहां पर YouTube अथॉरिटी से रिलेटेड अपनी एड को क्रिएट करना चाहता हूं तो सिंपली मैंने यहां पर टाइप कर दिया YouTube अथॉरिटी। अगर आप Instagram अथॉरिटी से रिलेटेड अपनी एड को क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहां पर लिख सकते हो Instagram अथॉरिटी, मींस जिस भी टाइप की एड आप यहां पर बनाना चाहते हो उसी के अनुसार आपको यहां पर नेम लिखना है। देन उसके बाद आपको यहां पर ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस और इनविजुअल का। तो गाइस इसका अर्थ यहां पर यह है कि आप इनके माध्यम से अपनी टेक्स्ट एड को बना सकते हो, वीडियो एड को बना सकते हो, इमेजेस की एड को बना सकते हो या फिर इनविजुअल की एड को बना सकते हो। जिस भी टाइप की एड को आपको यहां पर बनाना है सिंपली उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो यू कैन सी यहां पर आपको टेक्स्ट एड बनाने का ऑप्शन नजर आएगा। अगर हम वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको वीडियो का फॉर्मेट मिलेगा जिसके अंदर आप अपनी वीडियो को लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास कोई यूट्यूब वीडियो है उसको आप यहां पर लगा सकते हो और इस प्रकार से आपकी यहां पर वीडियो एड क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको यहां पर इमेज की एड को क्रिएट करना है सिंपली आपको इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने इमेज लगाने का ऑप्शन आएगा और यहां से आप अपनी इमेज की एड को क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस इस प्रकार से आप यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है अलाइनमेंट का। दोस्तों अलाइनमेंट के माध्यम से आप अपनी पॉपअप एड की पोजिशन को एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी पॉपअप एड यहां पर नजर आए तो सिंपली आपको लेफ्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी पॉपअप एड यहां पर नजर आए तो सिंपली आपको राइट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी पॉपअप एड मिडिल में ही नजर आए तो सिंपली आपको इविल पॉपअप इसके ऊपर क्लिक कर देना है। मीन जहां पर भी आप अपनी पॉपअप एड को विजुअल करवाना चाहते हो वहां पर आप इस ऑप्शन के माध्यम से अपने पॉपअप एड को विजुअल करवा सकते हो। देन इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है शो आफ्टर का। शो आफ्टर का यहां पर यह अर्थ है कि आपकी पॉपअप एड कितने समय के बाद विजुअल होनी चाहिए। मान लो कोई बंदा आपके पेज के ऊपर विजिट करता है तो पेज के ऊपर विजिट करने के बाद यह एड उसके सामने कितने समय के बाद विजुअल होनी चाहिए उसको आप यहां पर एडजस्ट कर सकते हो।
अगर आप चाहते हो कि आपके पॉपअप एड 4 सेकंड के बाद दिखाई देनी चाहिए तो सिंपली आपको यहाँ पर 4 टाइप कर देना है। अगर आप चाहते हो आपके पॉपअप एड 1 ही सेकंड के बाद यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए तो उस केस में आपको यहाँ पर 1 के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपनी पॉपअप एड की टाइमिंग को भी एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है अपलोड इमेज का, सिंपली आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और कुछ इस टाइप की इमेज को यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब क्वेश्चन आता है कि आप इस टाइप की इमेज को कैसे फाइंड कर सकते हो, तो गाइस इसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। सिंपली आपको जाना है गूगल के ऊपर और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है यूट्यूब अथॉरिटी। जैसे आप यहाँ पर यूट्यूब अथॉरिटी को टाइप करते हैं और इमेजेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इतनी सारी इमेजेस आती हैं। सिंपली किसी भी एक इमेज को आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और इस वाले ऑप्शन के माध्यम से आपको इसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे ही आप इसको यहाँ पर अपलोड करोगे तो आपकी इमेज कुछ इस प्रकार से यहाँ पर विजुअल होने स्टार्ट हो जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है विड्थ का, तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इसके माध्यम से आप अपने इमेज के साइज को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने इमेज के साइज को बढ़ाना है तो सिंपली यहाँ पर इसकी विड्थ को आपको इंक्रीज कर देना है। अगर आप यहाँ पर इसके साइज को घटाना चाहते हो तो सिंपली आपको इसकी विड्थ को यहाँ पर कम कर देना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसके माध्यम से आप अपने पॉपअप एड की इमेजेस के साइज को घटा और बढ़ा सकते हो। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मिलता है साउंड टू प्ले। इसका अर्थ ये है जब भी आपकी पॉपअप एड यहाँ पर विजुअल होगी तो उस दौरान यहाँ पर कोई ना कोई साउंड प्ले होगा, तो उसको भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो जब भी आपकी एड यहाँ पर पॉपअप हो तो उस दौरान किसी भी प्रकार का साउंड यहाँ पर नहीं है तो सिंपली आपको नो साउंड के ऊपर सेलेक्ट करना है। अगर किसी भी टाइप के साउंड को आप यहाँ पर लगाना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर आपको 2 साउंड मिलते हैं, किसी भी एक साउंड को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर अपनी पॉपअप एड के ऊपर साउंड को भी लगा सकते हो। इतना काम करने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बटन टेक्स्ट का। सिंपली जैसे कि टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसके माध्यम से आप अपना बटन टेक्स्ट भी यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है फ्री फॉर फर्स्ट 20 people only, सेम इसी टाइप का टेक्स्ट भी आपको यहाँ पर लिखना है और ये टेक्स्ट आप कहाँ पर लिख सकते हो, यह टेक्स्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर आपको बटन लिंक्स और लोगो लिंक्स के अंदर अपने सीपी ऑफर के लिंक को लगाना है। देखिए सीपी ऑफर के लिंक को आपको कैसे जनरेट करना है उसको मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, अभी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको अपने सीपी ऑफर के लिंक को लगाना है। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है लोगो टेक्स्ट का, तो गाइस लोगो टेक्स्ट का अर्थ ही है जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है यहाँ पर क्या लिख रहा है पावर्ड बाय यूट्यूब, उसी प्रकार का लोगो टेक्स्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पर आपको एक बात के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है पावर्ड बाय यूट्यूब, इससे क्या होता है थोड़ा सा इस वाले जो एड है इसकी अथॉरिटी यहाँ पर बढ़ती है, तो जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो उसी के अनुसार आपको यहाँ पर नेम को चेंज करना है। जैसे कि मान लो आप इंस्टाग्राम की अथॉरिटी वाला कोर्स यहाँ पर बना रहे हो, इंस्टाग्राम अथॉरिटी से रिलेटेड आप अपनी एड यहाँ पर बना रहे हो, तो उस केस में आप यहाँ पर लिख सकते हो पावर्ड बाय इंस्टाग्राम, इससे क्या होगा आपके जो एड है उसकी अथॉरिटी बढ़ेगी और मैक्सिमम क्लिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है यहाँ पर अपने नेम को चेंज करना है, सिंपली इसी टाइप से आपको लिखना है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा पावर्ड बाय यूट्यूब, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर चेंजेस करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है सिंपली यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपनी कंपनी का लोगो यहाँ पर लगाना है। अगर आप इंस्टाग्राम से रिलेटेड अपना यहाँ पर अपनी एड बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप इंस्टाग्राम की इमेज को लगा सकते हो, यूट्यूब से रिलेटेड अगर आप अपनी इमेज को लगाना चाहते हो तो अपलोड के ऊपर क्लिक करके यूट्यूब की इमेज को आपको लगाना है। जैसे आप यहाँ पर इमेज को लगाते हो तो यू कैन सी यहाँ पर ये वाली इमेज यहाँ पर विजिबल हो जाती है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो यहाँ पर अपने लोगो की इमेज को भी लगा सकते हो। देन उसके बाद आपको ऊपर थोड़ा सा जाना है और यहाँ पर आपको डिजाइन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, सिंपली आपको डिजाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप डिजाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप पूरी एड के डिजाइन को यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपको बटन टेक्स्ट के पीछे वाला जो बैकग्राउंड का टेक्स्ट है इसके कलर को चेंज करना है तो सिंपली आप यहाँ से उसके कलर को चेंज कर सकते हो। अगर आपको इसके पूरे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो इसके माध्यम से आप अपने बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज कर सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ट्रैकिंग का, तो ट्रैकिंग के माध्यम से आप यहाँ पर यह पता लगा सकते हो कि आपके लिंक्स के ऊपर कितने क्लिक्स मिले, तो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती है जिसके माध्यम से आप अपनी एड के ऊपर क्लिक्स को भी ट्रैक कर सकते हो। दोस्तों अब आपको आना है सीपी ग्रिप के ऊपर और यहाँ पर आपको अपना फाइल लॉकर क्रिएट करना है। दोस्तों फाइल लॉकर आपको कुछ इसी टाइप का यहाँ पर क्रिएट करना है और फाइल लॉकर के अंदर आपको कैपेशा का ही लैंडिंग पेज लगाना है। गाइस कैपेशा का लैंडिंग पेज आपको इसलिए यहाँ पर लगाना है क्योंकि कैपेशा का लैंडिंग पेज सबसे ज्यादा कन्वर्टिंग माना जाता है और आपने देखा ही होगा अगर आप आजकल किसी भी वेबसाइट के अंदर लॉग इन करते हैं तो सबसे पहले आपको कैपेशा को कंप्लीट करवाना होता है। तो अगर आप कैपेशा का लैंडिंग पेज यहाँ पर यूज करते हैं तो यहाँ पर बंदा बेझिझक कैपेशा को कंप्लीट कर देता है जिससे आपकी लीड्स यहाँ पर बन जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि आप किस टाइप से यहां पर अपना कैपेशा का लैंडिंग पेज बना सकते हैं, तो गाइस कैपेशा का लैंडिंग पेज लगाने के लिए सिंपली आपको टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। एंड यू कैन सी यहां पर आपको कैपेशा वाला लैंडिंग पेज मिल जाता है, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपका कैपेशा वाला लैंडिंग पेज लग जाता है। देन उसके बाद आपको जनरल इसके ऊपर क्लिक करना है और पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है नेम का, तो सिंपली यहाँ पर आपको अपने कोर्स का नेम लिख देना है, मीन जिससे रिलेटेड आप अपनी पॉपअप की एड क्रिएट कर रहे हो उस एड का नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है।
एंड लोक यूआरएल के अंदर आपको सिंपली किसी भी एक YouTube वीडियो का लिंक को दे देना है। YouTube के ऊपर आपको बहुत सारी YouTube कोर्स से रिलेटेड वीडियोस मिल जाती है, सिंपली किसी के भी लिंक को कॉपी कर लेना है और उसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर यह वाला टैक्स नजर आ रहा होगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसके माध्यम से यहाँ पर यह वाला टैक्स लगा लेना है। देन उसके बाद आपको शो ऑफर्स इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यह वाला इंटरफेस आता है। अब आपको यहाँ पर अपनी कंट्री के अनुसार मीन्स किस कंट्री से आप ट्रैफिक ला सकते हैं उसी के अनुसार आपको यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं इंडिया से मैक्सिमम ट्रैफिक ला सकता हूँ तो मैंने यहाँ पर इंडिया को ही सिलेक्ट कर लिया। इतना काम करने के बाद आपको हाइड ऑफर इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका सिंपल सा फाइल लोकर क्रिएट हो चुका है। अब आपको सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फाइल लोकर यहाँ पर सेव हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपने फाइल लोकर के लिंक को जनरेट करना है, तो उसको जनरेट करने के लिए आपको गेट लिंक्स इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह वाला इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। सिंपली आपको कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपका फाइल लोकर का लिंक कॉपी हो जाएगा। सो अब आपको अगेन यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको बटन लिंक और लोगो लिंक दोनों के अंदर अपने फाइल लोकर के लिंक को पेस्ट कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पेस्ट कर रखा है। इतना काम करने के बाद आपको सिंपली डन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी पॉपअप एड क्रिएट हो जाएगी। बात करते हैं कि आप किस तरीके से किसी भी वेबसाइट के ऊपर अपनी पॉपअप एड को लगा सकते हैं। तो गाइस अपनी पॉपअप एड को लगाने के लिए सिंपली आपको आना है गूगल के ऊपर और यहाँ पर आपको पहले एक वेबसाइट को फाइंड करना है जिसके ऊपर आप अपनी पॉपअप एड को लगाना चाहते हैं। और वेबसाइट को फाइंड करने के लिए सिंपली आपको सर्च के अंदर किसी भी कीवर्ड को टाइप कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कीवर्ड टाइप किया है How to grow a YouTube channel fast? You can see मेरे सामने इतनी सारी पोस्ट आ चुकी हैं जिसमें से मैं किसी भी एक पोस्ट के अंदर अपनी पॉपअप एड को लगा सकता हूं। परंतु गाइस पॉपअप एड को लगाने से पहले आपको एक बात के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो गाइस बात यहां पर यह है कि आपको बड़ी वेबसाइट्स को यहाँ पर टारगेट नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यह वाली वेबसाइट है बैकलिंक होकर बड़ी वेबसाइट, इसकी अथॉरिटी कितनी 70 है। तो इस टाइप की वेबसाइट को आपको टारगेट नहीं करना, मीन्स बड़ी वेबसाइट को आपको टारगेट नहीं करना, क्योंकि बड़ी वेबसाइट के अंदर पॉपअप एड ब्लॉकर लगा होता है जिसकी वजह से आपकी पॉपअप कभी भी शो नहीं होते हैं। तो अगर आप इन टाइप की वेबसाइट को टारगेट करोगे तो आपकी पॉपअप की एड कभी भी शो नहीं होगी। तो अब क्वेश्चन आता है कि आप किस टाइप की वेबसाइट को आपको टारगेट करना है। तो गाइस आपको स्मॉल अथॉरिटी वाली वेबसाइट को यहाँ पर टारगेट करना है। अब क्वेश्चन आता है कि आप इस टाइप की वेबसाइट को कैसे फाइंड कर सकते हो। तो गाइस इस टाइप की वेबसाइट को फाइंड करने के लिए आपको सिंपली थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको छठे या सातवें पेज की वेबसाइट को टारगेट करना है। जैसे मैं सातवें पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जितनी भी हमें वेबसाइट नजर आएगी सभी की अथॉरिटी डाउन होगी। किसी भी एक वेबसाइट को आप यहाँ पर चूज कर सकते हो जिसके ऊपर आप अपनी पॉपअप एड्स को लगा सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं, जैसे कि यह वाली वेबसाइट है इसकी अथॉरिटी यहाँ पर काफी कम है, तो हम सिंपली क्या करने वाले, इसी वेबसाइट के ऊपर अपनी पॉपअप एड को लगाने वाले हैं। तो सिंपली मैं इस वेबसाइट को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और देखता हूँ यह वेबसाइट यहाँ पर कैसे नजर आती है, फिर कैसे इसके ऊपर आपको अपनी पॉपअप एड को लगाना है उसका तरीका मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस यू कैन सी यह वाली वेबसाइट कुछ इस टाइप से यहाँ पर नजर आ रही है, इसका नाम भी आप यहाँ पर देख लो। अब मैं सिंपली क्या करने वाला, इसके एड्रेस को यहाँ पर कॉपी करने वाला हूँ और कॉपी करके अपना जो writely.ly है इसके ऊपर हम आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है प्लेस योर एड ऑन एनी लिंक। सिंपली यहाँ पर आपको इस वेबसाइट के लिंक को पेस्ट कर देना है और यहाँ पर आपको अपनी एड को सिलेक्ट कर लेना है, फिर क्रिएट लिंक विद एड इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका यूनिक लिंक आ जाएगा जिसको आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रैफिक सोर्स के ऊपर शेयर करना है। तो सिंपली मैं इस लिंक को यहाँ पर कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको अगेन गूगल के ऊपर पेस्ट करता हूँ और देखता हूँ क्या यहाँ पर हमारी पॉपअप एड लगी है। तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर यह वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब देखते हैं क्या यहाँ पर हमारी पॉपअप एड शो हो रही है। तो गाइज यू कैन सी यहाँ पर हमारी पॉपअप एड शो हो रही है। तो गाइज इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट के ऊपर अपनी पॉपअप एड को लगा सकते हो। 200 पॉपअप एड क्रिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हमें इस लिंक को जितना हो सके उतने फ्री के ट्रैफिक सोर्स के ऊपर प्रमोट करना है। जैसे कि आप इस लिंक को कोरा हो गया, फेसबुक हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, टम्बलर हो गया, बहुत सारे फ्री के ट्रैफिक सोर्स हैं उनके ऊपर प्रमोट कर सकते हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को आप इस वेबसाइट के ऊपर लेके आ सकते हो। जैसे आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर लेके आओगे तो उन्हें यह वाली पॉपअप एड यहाँ पर शो होगी। जैसे बंदों को यहाँ पर पॉपअप एड शो होगी तो डेफिनेटली जिस भी बंदे को यूट्यूब कोर्स के अंदर इंटरेस्ट होगा वो 101% यहाँ पर क्लिक करेगा। जैसे बंदा यहाँ पर क्लिक करेगा तो सीधे आपके सीपी ऑफर के ऊपर चला जाएगा, वहां पर आपके ऑफर को कंप्लीट कर देगा और वहां से आप मनी मेक कर पाएंगे। पर गाइस जब भी आप इस लिंक को शेयर करें तो सबसे पहले आपको एक स्क्रिप्ट को रेडी करना है, आपको डायरेक्ट इस लिंक को शेयर नहीं करना है।
क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस लिंक को शेयर करते हैं तो इसके ऊपर बहुत ही कम क्लिक्स आएंगे। तो सबसे पहले आपको एक स्क्रिप्ट को बनाना है जिसके अंदर आप लोगों को बताओगे कि आप किस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हो, और लास्ट में आपको लिख देना है कि अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे बंदा लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो इस वाले पेज के ऊपर आएगा और यहाँ से आपके ऑफर्स कन्वर्ट हो जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर इस वेबसाइट की, तो क्या जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपको 7 डेज का फ्री ट्रायल दिया जाता है जिसके माध्यम से आप इस वेबसाइट के सभी फीचर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज कर सकते हैं। परंतु जैसे आपका 7 डेज का फ्री ट्रायल यहाँ पर ओवर होता है देन उसके बाद आपको इनके प्रो प्लान को परचेज करना होता है। तो गाइस आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो गाइस सबसे पहले आपको 7 डेज तक इस वेबसाइट को यहाँ पर यूज करना है। अगर आपको इस वेबसाइट से बेनिफिट मिल रहा है, मीन्स आपको यहाँ पर लीड्स कन्वर्ट हो रही है, आपको सेल्स यहाँ से मिल रही है, या फिर आपको यहाँ से मनी मेक हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके प्रो प्लान को परचेज कर सकते हो। अगर आप इसके लिंक्स ऐड वाले प्लान को परचेज करते हो तो वो आपको $15 का पड़ता है। तो अगर आपको यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है तो आप इसके प्रो प्लान को परचेज कर लेना, इससे आपको फ्यूचर में भी काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। परंतु अगर आप इसके प्रो प्लान को परचेज नहीं करना चाहते हो तो उसका भी एक तरीका है। उसका तरीका ये है, आप इस वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ईमेल से अकाउंट बना सकते हो। जितनी बार भी आप इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करोगे हर बार आपको यहाँ पर फ्री ट्रायल मिलेगा जिसके माध्यम से आप इस वेबसाइट को लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को शेयर व सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।